स्टूडेंट, कूलॉम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दो आवेश को लेना होगा, यानी कि हम यहाँ पर दो आवेश रख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये आवेश है और ये भी आवेश है, और इसका नाम हम देते हैं Q1 और इसका दे देते हैं Q2, और इसके बीच की दूरी ये है R। तो उसके बाद यहाँ पर कूलॉम ने ये कहा था, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच के पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेश के मिलने वाले रेखा के अनुदिश होती है। यानी कि इसका मतलब है ये कि दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, ये दो आवेश हैं और इस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो दोनों में क्या होगा? यहाँ पर आकर्षण होगा। अगर दोनों सेम चिन्ह है, चाहे माइनस दोनों हो या दोनों प्लस हो, तो उस पर प्रतिकर्षण बल होगा। तो उनका गुणनफल जो है वो अनुक्रमानुपाती है, यानी कि Q1 Q2 ये होगा F के प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यह बल उन आवेश को मिलने वाली रेखाओं के अनुदिश है। तो यहाँ से हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू यहाँ से दूरी के बीच, मतलब बीच की दूरी उसके व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये यह हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r². व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम 1/r करेंगे जो भी दिया रहेगा, और अनुक्रमानुपाती के लिए यह इस टाइप से करेंगे हम। तो यहाँ से हम इसे एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r², और यहाँ से हम इसको हटा देंगे प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा के और Q1 Q2 अपान r², और इसका F का मात्रक होता है न्यूटन, और के का मान, और यहाँ पर के की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पर होती है, ये सिद्ध किया गया है प्रयोग से, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम ये स्क्वायर, इसे हम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, के के स्थान पे ये रखना है, 9×10⁻⁹ Q1 Q2 r² यही फार्मूला हो गया। और आप इसे दो तरीके से भी ले सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε₀ इंटू Q1 Q2 अपॉन r². यहाँ पर K की वैल्यू ये भी होती है और इसका मान ही होता है 9×10⁻⁹, और इसे आप याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर एप्साइलिन जो है, ये एप्साइलिन जीरो ये है निर्वात की विद्युतशीलता, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यहाँ से ये फार्मूला है F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान r², अगर यहाँ पर मान लीजिए, अगर यहाँ पर Q1 और Q2 इक्वल टू 1 कूलाम है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से F इक्वल टू के इंटू Q1 और Q2 का गुणा हो जाएगा 1×1, यानी कि 1 ही हो जाएगा, यहाँ से बटे r², और यहाँ पर r का मान भी 1 रहना चाहिए, 1 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा k, सिर्फ k आएगा, तो यानी कि F इक्वल टू k, और यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू k का मान रख देंगे यहाँ पर 9×10⁻⁹, ये हो जाएगा। इसका मात्रक भी लिख देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर मात्रक किसका क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से एक मान पूछा जाता है, एप्सिलॉन जीरो का मान पूछा जाता है, और ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे एप्सिलॉन जीरो का हम मान कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर जो के इक्वल टू था 1/4πε₀, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये था 1/4πε₀, ये के स्थान पर रखा गया था, और यहाँ पर 1/4πε₀ का मान क्या था? 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो को हम इधर कर देंगे
इसे हम बटा एक भी लिख सकते हैं, तो यानी कि तिरिए गुणा कर देंगे, यहाँ पर एप्साइलन जीरो ही रखना है, बाकी सब इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, पहले से ही था, एप्साइलन जीरो को हटा दिया गया है और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्साइलन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू ये हो जाएगा 9×10^9, और यहाँ पर ये जो मात्रक अपान में था ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर पाई का मान रख देंगे हम 3.14×9×10^9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.85×10^-12। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये मान आ जाएगा, तो यहाँ से ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान हो गया। ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, जो कूलाम का नियम था, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2/r² ये था न्यूटन में। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन को यहाँ पर रख देंगे, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, और एफ का गुणा यहाँ पर हो जाएगा एफ इंटू में ये पूरा सेम रहेगा Q1 Q2/r². तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से हो जाएगा Q का मात्रक होता है Q = IT होता है, और I का मात्रक A होता है, T का मात्रक T। तो ये इसका मात्रक है, यानी बीमी मात्रक है, तो यहाँ पर AT है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 है, यानी कि दोनों ही Q हैं, यानी कि दोनों ही आवेश हैं, तो दोनों का मात्रक यही होगा, यानी कि A² हो जाएगा, T² हो जाएगा, और बटा 4π की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और एफ का मात्रक होता है mL(t-2), और r² यानी कि r दूरी होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि इसे हम लिखेंगे मीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा A²(t²), ये ऊपर जाएगा ये m और ये m², ये हो जाएगा m³, ऊपर जाएगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा m-3, और ये L^1 होता है तो ये ऊपर जाएगा L-1 हो जाएगा, और t-2 है ऊपर जाएगा तो t+2 हो जाएगा, और हम इसे अब ऐड कर लेंगे, बस ये आ जाएगा कितना, m-3 L-1 टी, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये जगह T⁴ और A², ये इसका मात्रक हो जाएगा, बिमी मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू होता है 8.85×10^-12, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, और इसका मान ये होता है 8.85×10^-12। अब बात आती है कि एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र क्या है, तो एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र कैसे याद करेंगे, उसे कैसे हम पता करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला जो है हमें लगाना है किसका, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो × Q1 Q2/r². तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन जीरो को ही पता करना है, तो एप्सिलॉन जीरो हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पे ये हो जाएगा एफ इंटू Q1 Q2/r², और इसका हम मान रख देंगे, क्यू इक्वल टू होता है IT, Q = IT होता है, और I की बीमा क्या होती है, A होती है, और T की बीमा होती है T। तो यहाँ से क्यू, ये दोनों क्यू हैं, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा A²(t²), अपान में ये हो जाएगा 4π, ये संख्या है, 4π की कोई बीमा नहीं होती, एफ की बीमा होती है m L T-2।
और आर है ये है दूरी है, तो दूरी का मात्रक एल, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे ही रहना है। और ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, और ये एल, और यहाँ पर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल क्यू। ये लेकिन नीचे माइनस रहेगा, ऊपर मतलब नीचे प्लस रहे, और उसके बाद ऊपर जब जाएगा ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टू है, तो ये ऊपर जाएगा तो टी प्लस टू हो जाएगा। इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी पावर फोर ए स्क्वायर। ये इसका बीमा हो गया। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं बीमा।